वापस करो, गिलास वापस करो, वापस करो, वापस करो, गिलास वापस करो, वापस करो, वापस करो, गिलास वापस करो, वापस करो, वापस करो, गिलास वापस करो। और मुझे लग रहा है भारत में रहना है तो अतर जैसे बेटे खोने हैं, ये सबको खोने हैं। आज मैंने खोए, कल आप लोगों को खोना है। This is Athar Mustaq's father digging the grave of his 24-year-old son. Athar Mustaq was killed along with two others in the early hours of 30th December on the outskirts of Srinagar in a night-long encounter that the family's claim was staged. There are conflicting versions to what had happened on the December 30th night, where three young men were shot down in a gunfight by security forces. कल शाम को नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास पूरा हॉस्पिटल के ऑपोजिट HMD एरिया में स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि वहां पे कुछ टेररिस्ट ने बना ली है। उसके बाद आर्मी JKP और CRPF द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो पूरी रात चला। और आज 11:30 बजे जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उसमें तीन टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया। गौरतलब बात यह है कि इस इलाके में जो परिमपुरा का, नारबल का और बमीना का इलाका है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। वो उस दिन सुबह 10:30 बजे घर से निकला, 10:30 बजे के आसपास वो घर से निकला है। घर वालों को बोल के गया, अपनी मम्मी को बोल के गया, अपनी बहन को बोल के गया, भाई को बोल के गया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कुछ बुक्स लानी है, वहाँ से कुछ नोट लाने हैं। उसका एग्ज़ाम था अगले महीने, 9 जनवरी से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है फाइनल ईयर का। फिर 3:30 बजे उसने घर कॉल किया, 3:30 बजे अपनी सिस्टर को कॉल किया, ये उसने यहाँ से बोला क्या बात है आपको दर्द है, मतलब टांग में दर्द है। उसको पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से तकरीबन 35 दिन हो गए, पिछले 35 दिन से वो बेड रेस्ट पे था। 35 दिन के बाद वो निकला यहाँ से पुलवामा के लिए। ये आप किसी गाँव में किसी से भी पूछ लो, आप बोलोगे ये उसका फादर है, ये गलत बोलेगा। आप गाँव में किसी से भी पूछ लो। उस लास्ट कॉल कब की? लास्ट कॉल उसने किया 3:30 बजे। उसके बाद 4 बजे उसको मम्मी ने यहाँ से ही फ़ोन किया था, कॉल की थी यहाँ से ही, बोला बेटा आपको दर्द है टांग में, आप जल्दी आ जाओ, सर्दी है, सर्दी का मौसम है। बोला मम्मी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, मुझे आधा घंटा लगे, घंटा लगे, मैं आ जाऊँगा घर। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन सुबह 8:30 से लेके तकरीबन 9:45 बजे मुझे पुलिस स्टेशन राजपुरा से कॉल आई है, मुझे नाम पूछा गया है, मैंने नाम बोला है, बेटा का नाम पूछा है, मैंने नाम बोला है। बोला बेटा कहाँ है? मैंने बोला इस तरह मसला हुआ, कल वो कॉलेज के लिए निकला है, उसका स्विच ऑफ आ रहा है, पता ही नहीं। बोला आपके पास कोई इसका फोटोग्राफ है? अगर है तो सेंड करो। मैंने फ़ोन पे उनको बोला क्यों सेंड करना है मुझे, क्या मसला क्या है? बोला आप सेंड करो, बैद में बताएंगे। उसके बाद मैंने फोटोग्राफ सेंड किया है। फिर मुझे बोला गया आप PCR पहुँच जाओ श्रीनगर। मैं वहाँ से निकला तो मैं श्रीनगर पहुँचा। PCR में मैंने लोग जमा देखे बहुत सारे, तो मैंने उनसे पूछा, उधर हर एक से मैंने पूछा मसला क्या है। बोला कोई कुछ मसला नहीं, ये इनकाउंटर हो गया तो पता नहीं उसके बारे में कुछ होगा। फिर मैं अंदर गया, मैंने उनको बोला कि ये डेड बॉडियाँ जो है वो लाई है नहीं लाई है? बोला अभी नहीं लाई है। फिर मुझे बाहर एक बंदा मिला, उसने बोला डेड बॉडियाँ अंदर है, आप जाओ पहचान करो। मैंने बोला किसकी पहचान करनी मुझे? बोला उसमें आपका बेटा भी है। फिर मुझे अंदर ले गए, अंदर मैंने जब देखा, मैंने तीनों को देखा है वहाँ, मैंने अपने बेटे को देखा, अथर को देखा वहाँ। उसकी वो डेट ऑफ बर्थ है शायद 2005 की है, 2005 की है। वो पढ़ रहा था, एग्ज़ाम में था, आज भी एक पेपर था, मतलब आज लास्ट पेपर था। और आज तक उसने मतलब ना पत्थर किसी जगह चलाया, ना कोई काम किया ऐसा, मतलब ना किसी के साथ ये चल रहा था, मतलब ये तो पुलिस ने स्टेटमेंट में बताया कि वो OGW थे, दो और एक उसमें मिलिटेंट था। नहीं, अगर हैं वो मतलब कन्फर्म करके सबूत, मतलब वो तो
हमें दिखा सकता है कहाँ किसके साथ चल रहा था? फिर तो मारना नहीं है, कम से कम मुझे बोलना है इसको समझाओ, या इसको थाने पे ले जाएंगे, इसको बताएंगे। मतलब हाँ वही हम भी बता रहे हैं ना, मतलब कम से कम आर्मी यहाँ आती या SHO साहब आते, उसको उठाते, मतलब यहाँ से उठाते, या मतलब चलो इंटरोगेशन ही करते। मारना तो मतलब ये तो गलत बात है, एक ही बेटा था मेरा। फैमिली को कैसे पता चला सुबह के ऐसे हो गए, मसला हो गया? मुख्तलिफ ज़रायों से पता चला। पहले तो थाने वालों ने फ़ोन किया नंबरदार को कि ये मसला है। हम हैरान रह गए, कुछ पता नहीं था। मैं भी स्कूल गया था तो किसी ने फ़ोन किया, ऐसा हुआ। मैंने समझा था कि शायद ये श्रीनगर गया होगा, वहाँ क्रॉस फायरिंग के दौरान कोई मसला हो गया होगा, ये तो किसी को मालूम नहीं था। पुलिस ने स्टेटमेंट बताया कि ये तीनों, वो बिल्कुल शराब है, फजूल स्टेटमेंट है जहाँ तक हमें मालूम है, क्योंकि हम अच्छी तरह से इसको जानते हैं। किसी थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, किसी थाने में ना किसी पत्थरबाजी में मुलव्वस है, किसी भी ऐसे इलीगल काम में मुलव्वस नहीं था। हम पूरी तरह से इसको कंडम करते हैं, ये बिल्कुल 100% फेक एनकाउंटर है, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। People's Democratic Party President Mehbooba Mufti sought on Friday an impartial investigation into the killings of the three youths and also demanded that the bodies be returned to their families. Thank you.